रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ संजा खबरें तुंदा स्वागत पैहले मुख समाचारें कन्ने मैं योगेश शर्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें कश्मीर मामले च त्रीये धड़े दी पैंच गी कीता खारज विदेश राज्य मंत्री होरें आखेआ जे भारत पाकिस्तान कन्नै सब्भनें बकाया मामलें दपक्खी तौर उप्पर हल करने लेई वचनबद्ध पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें मन्नेआ जे उंदे मुल्क अंदर अजें बी तकरीबन 40,000 आतंकवादी सरगर्म न किश्तवाड़ च लश्कर ए तैयबा दे आतंकवादी ने हथियारें कन्नै आत्म समर्पण कीता औंदनी करें सरबंधी मैहकमे ने जम्मू कश्मीर बैंक च 274 करोड़ रपे दे घोटाले मामले च छापेमारी कीती ऐ ते राज्यपाल हुंदे सलाहकार के स्कंदन होरें जम्मू च जिमी दस्तावेजें दे डिजिटलीकरण दी कीती समीक्षा जिला कमीशनरें गी इसी मित्थे गेदे समें अंदर पूरा करने लई आखेआ खबरें दी तफसील विजय बजाज कोला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें अज्ज आखेआ जे कश्मीर मसले पर कुसै त्रीये धड़े दे पैंची पाने दा कोई सोआल गै नेईं ऐ की जे एह् शिमला समझौते दे खलाफ ऐ लोकसभा च अज्ज शून्यकाल दौरान इक बयान च राजनाथ सिंह होरें आखेआ जे विदेश मंत्री एस जयशंकर होरें सदन च पैहले गै स्पष्ट करी दित्ते दा ऐ जे जंदे म्हीने ओसाका च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंदे बश्कार होई दी मलाटी दौरान कश्मीर मामले पर कोई गल्लबात नेईं होई उनें आखेआ जे दौनें लीडरें दी मीटिंग दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर होर बी उत्थे मौजूद हे लोकसभा च अज्ज सोआलें दे समें दौरान शोर शराबा पेदा रेहा की जे विरोधी धड़े दे सदस्यें इस मामले पर प्रधानमंत्री हुंदे परते दी मंग करदे होई नारेबाजी कीती ते सदन दे बिच्चो बिच आई गे कांग्रेस दी अगुवाई आले विरोधी धड़े ने रक्षा मंत्री हुंदे बयान शा पैहले गै सदन थमां वाकआउट करी दित्ता केन्द्र सरकार ने अज्ज आखेआ जे ओह् पाकिस्तान कन्नै गवांडियें आला लेखा आम सरबंध चांह्दी ऐ सरकार ने इब्बी आखेआ जे ओह् सब्भनें बकाया मसलें गी दपक्खी तरीके कन्नै हल करने गितै वचनबद्ध ऐ पर कन्नै इस गल्लै गी बी स्पष्ट करी दित्ता ऐ जे नतीजाकुन गल्लबात आस्तै आतंकवाद शा मुक्त माहौल कायम करने दा जिम्मा पाकिस्तान उप्पर ऐ विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन होरें लोकसभा च इक सोआलै दे लिखित परते च आखेआ जे भारत नै पाकिस्तान गी आखेआ जे ओह् बन्ने पारा आले आतंकवाद गी रोकने ते अपनी जिमी उप्पर मौजूद आतंकवादी ढांचे गी तबाह करने आस्तै भरोसेजोग ते परताए नेईं जाई सकने आले कदम पुट्टै सरकार ने बन्ने पारा घुसपैठ गी रोकने आस्तै इक बहुआयामी कार्यनीति अपनाने दी गल्ल आखी ऐ अज्ज राज्यसभा च इक पूरक प्रश्न दे परते च गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय होरें दस्सेआ जे एह्दे च अंतर्राष्ट्री सीमाएं पर बन्ने दी राखी आले बलें दी तैनाती सरहदें उप्पर बाड़ तेज रोशनी आली लाइटां वगैरा लाना ते गश्त गी होर व्यापक बनाना शामल ऐ उनें गलाया जे भारत पाकिस्तान बन्ने पर तकरीबन 2,005 किलोमीटर इलाके च बाड़ लाने आला कम्म पूरा करी लैता गेदा ऐ ते बचे दे 64.38 किलोमीटर इलाके च बाड़ लाने आले कम्मै गी मार्च 2022 तोड़ी पूरा करी लैता जाग पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें कल इक बड्डी हैरान करने आली गल्ला दा खुलासा करदे होई गलाया जे उंदे मुल्खै च अजें बी 30,000 थमां 40,000 उग्रवादी मौजूद न जिनेंगी कश्मीर ते अफगानिस्तान च लड़ने आस्तै सिखलाई दित्ती गेदी ऐ या उनें एकड़े इलाकें च लड़ाई कीती दी ऐ पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री होरें एह टिप्पणी अपने अमरीका दे 3 रोजा दौरे दौरान यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट आफ पीस च कीती ऐ खान होरें इब्बी गलाया जे उंदे शा पैहले आलियें पाकिस्तानी सरकारें दी उत्थूं दी धरतै थमां कम्म करा'रदे उग्रवादियें थमां थेहार छड़काने दी कोई सियासी मंशा नेईं ही इक बक्खरे कार्यक्रम दौरान पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री होरें इब्बी आखेआ जे उंदे मुल्खै च 40 बक्ख बक्ख आतंकवादी गुट कम्म करा'रदे न उनें इब्बी दावा बन्नेआ जे पाकिस्तान दियां पैहले आलियां सरकारां नियंत्रण च नेईं हियां ते उनें अमरीका गी जमीनी सच्चाई बारै नेईं दस्सेआ तोआई अमरीकी सचिव माइक पोम्पियो होरें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हुंदे पर जोर भरेआ जे ओह आतंकवादी गुटें खलाफ कार्रवाई करन गृहमंत्री अमित शाह होरें आतंकवाद रोधी कानून च संशोधन दी हिमायत करदे होई गलाया जे सुरक्षा एजेंसिएं गी उग्रवादिएं थमां इक कदम अग्गे रखने आस्तै इस चाली दे संशोधनें दा होना लाजमी ऐ अज्ज लोकसभा च इक बैसू दे परते च जेड़ी गैरकानूनी गतिविधिएं दी रोक सरबंधी कानून च तरमीम आस्तै करोआई जा'रदी ही शाह होरें जोर भरेआ जे आतंकवाद रोधी कानूनें दा गलत इस्तेमाल नेईं कीता जाग ते इंदा इक्कला मकसद आतंकवाद गी जड़ थमां खत्म करना गै होग उनें गलाया जे सदन आसेआ मूंहजबानी वोटें कन्नै पास कीते दा सरबंधत विधेयक जेह्दे तैह्त आतंकी सरबंध रखने आले मुश्तबा व्यक्ति गी आतंकवादी मन्नेआ जाग एह् उग्रवाद गी जड़ थमां खत्म करने आस्तै जरूरी ऐ लश्कर ए तैयबा दे इक आतंकवादी ने जम्मू खित्ते दे किश्तवाड़ जिले च जम्मू कश्मीर पुलसा दे सीआईडी सीगे अग्गे आत्म समर्पण करी दित्ता ऐ जंदे बरे आतंकवादी गुट कन्नै जोड़ने आले इस आतंकवादी दी पंछान जमालुद्दीन दे तौर उप्पर होई ऐ आत्म समर्पण दे बेल्ले ओह्दे कश इक AK-47 रफल ते AK दे किश राउंड हे जेहड़े उन्ने सीआईडी दे हवाले करी दित्ते करगिल विजय दिवस हर बरे 26 जुलाई गी ओकड़े शहीदें दे सम्मान च मनाया जंदा ऐ जिनें करगिल युद्ध दे दौरान देसै दे बन्ने दी राखी लेई अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता करगिल युद्ध दी 20वीं बरेगंढ दे सिलसिले च फौज आसेआ केईं कार्यक्रमें दे आयोजन दी योजना बनाई गेदी ऐ आकाशवाणी जम्मू ने इस युद्ध च शामल किश वरिष्ठ सैनिकें कन्नै इस बारै गल्लबात कीती
मेरा नाम जगदीश राज है, मैं 13 जैक राइफल का हूँ। जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त कारगिल में बड़े धूमधाम से हमने फतेह हासिल की थी। हमें अगर दो दिन का टाइम मिलता तो शायद हम पाकिस्तान के अंदर ही घुस जाते। ये हमने बहुत फतेह हासिल की है, बहुत जोर से किया, और हमारा कमांडिंग कमांडर मेजर अजय जसरोटिया साहब था वो वहां पर शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अपना धूमी मुझी से काम किया था। हमें अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता था, एक अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर हमारे इंडिया के बीच में अगर बैठ जाती है तो हमें उसे खदेड़ना बहुत जरूरी था। मेरा नाम राज सिंह है, मैं पैरा कमांडर रिटायर हो चुका हूं और मैं जम्मू डिवीजन का रहने वाला हूं। जून 99 में जब हमें पता चला पाकिस्तानी घुसपैठिए जो हैं कारगिल में और उसके आसपास के इलाकों में आए हुए हैं, 99 में हम जो वहां से रवाना हो गए द्रास सेक्टर में पहुंच गए। सवेरे हम तोलोलिंग में पहुंचे, जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट हुई एक दो बंदे हमारे को हरकत करते हुए दिखाई दी, हमने पोजीशन ले ली, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने रिएक्शन किया पाकिस्तान की तरफ से हमारे को, आरडी शेलिंग वगैरह हमारे इलाके में पड़ी, उनके चार बंदों को हमने उसी टाइम मार दिया। जब हमने देखा उनके जो रेगुलर आर्मी थी हमारे फौजियों के द्वारा जो मारी गई, हमने उनको भी पूरी सल्यूट के साथ उनको दफनाया वहाँ। और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है जो भी दुश्मन शहीद हुआ है अपने देश के लिए तो उसकी भी रिस्पेक्ट करना हमारा ये फर्ज है। बहुत फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान आर्मी जो है वर्ल्ड में नंबर वन है और हम नंबर वन ही रहेंगे। एक खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू परा सुनारदे हो, हुन बाकी दियें खबरें कन्ने योगेश शर्मा। इनकम टैक्स मैह्कमे ने बैंकें कन्नै जुड़े दे फर्जीवाड़े आले मामले च इक व्यवसायिक घराने दे केईं ठिकाने उप्पर छापेमारी कीती ऐ। छापेमारी च इस घराने आसेआ बैंकें थमां दोआर कर्जे दे मामले च 270 करोड़ रुपये दे फर्जीवाड़े दा पता लगा। इस छापेमारी दे दौरान एह भी पता लगा जे इस घराने ने जेएंडके बैंक थमां लैते गेदे 274 करोड़ रुपये दे दोआर कर्जे च भी धोखाधड़ी कीती दी ऐ। केंद्र ने नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई आली सरकार ने अपने दुए कार्यकाल के 50 दिन पूरे करी लैते हैं। इस लौकी जनेही अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लैते हैं, जिंदे च जल शक्ति मंत्रालय का गठन शामिल है जिदा मकसद पानी के संरक्षण बखी ध्यान देना ध्यान केंद्रित करना है। केंद्र ने जल संरक्षण की अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाए दिता है, इहदे तहत नवा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है तां जे इक समग्र तरीके कन्नै पानी के साधने वसीलें की सांभ संभाल ते प्रबंधन यकीनी बनी सकै। यह मंत्रालय रियासती सरकारें कन्नै रलियै काम करदे होई हर घर जल आले धेइये गी पूरा करोग, जेदे तहत 2024 बरे तक सब्भनें ग्राएं च पाइपें राएं पानी दी सप्लाई दा निशाना मिथ्या गेदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर रेडियो कार्यक्रम मन की बात राएं औंदे ऐतवारें 28 जुलाई गी बडलै 11 बजे देश विदेश च रौह्ने आले श्रोतें कन्नै अपने विचार सांझे करङन। श्रोता अपने विचार ते सुझाव प्रधानमंत्री होरें गी माई गोव ओपन फोरम उप भेजी सकदे न या फ्ही टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपना सनेहा अंग्रेजी या हिंदी च रिकार्ड कराई सकदे न। गवर्नर दे सलाहकार के स्कंदन होरें डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम तहत रियासत च जारी राजस्व सरबंधी रिकार्डें की डिजिटलाइजेशन ते स्कैनिंग ते संबंधित होरने कम्में की समीक्षा लई मुतलका अफसरें की जम्मू च इक बैठक लाई। डिप्टी कमिश्नर सलाहकार होरें गी दस्सेया जे राजस्व रिकार्डें की स्कैनिंग आला कम सब्भनें जिलें च जारी है। बैठक च दस्सेया गया जे कठुआ जिले च 396 चा 128, रामबन च 66, किश्तवाड़ च 39, राजौरी च 260 ते पुंछ जिले च 178 चा 174 जमाबंदियें गी ताजा तरीन बनाने दा कम्म नबेड़ी लैता गेदा है। सलाहकार होरें सरबंधित अफसरें गी हिदायतां दित्तियां जे जिमीं दे रिकार्डें दी डिजिटलाइजेशन आले कम्मै गी तय सीमा तहत पूरा कीता जा। भारतीय कला संगम ने संगीत नाटक अकादमी नमीं दिल्ली दे सहयोग कन्नै अज अभिनव थिएटर जम्मू दे केएल सैगल हाल च लोक नाच उत्सव दा आयोजन कीता। इस मौके उप्पर जम्मू नगर निगम दे पब्लिक हैल्थ ते सैनिटेशन कमेटी दे प्रधान बलदेव सिंह बलोरिया होर मुक्ख परौह्ने हे। उनें डोगरी लोक गीतें ते नाच गी बढ़ावा देने लई इस जतन दी सराहना कीती। म्यूनसिपल कौंसल उधमपुर आसेआ श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल ककरेयाल दे सहयोग कन्नै उधमपुर दे टाउन हाल च अज इक रोजा मुफ्त मल्टी स्पैशलिटी कैंप दा सरिस्ता कीता गया। इस दौरान बड़ी मती गिनतरी च सफाई कर्मचारियें दी सेहत दी डाक्टरें आसेआ जांच कीती गई। म्यूनसिपल कौंसल दे प्रधान डाक्टर योगेश्वर गुप्ता होर इस मौके उप्पर मुक्ख परौह्ने हे।
अज रियासी च आंगनबाड़ी वर्करें ते हैल्परें प्रशासन आसिया उंदे मेहनताने दी बंड ग्राम पंचायत जरिए करवाने दे फैसले दे विरोध च प्रदर्शन कीता। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम तहत रियासी जिले दे बख बख थारें कम करारदे वर्करें ते सहायकें डीसी दफ्तर बारें किट्ठे होइए प्रदर्शन कीता ते फैसला परताने ते अपनी होरने मंगें दे समर्थन च डीसी होरें गी चेता पत्र सौंपिया। ते हुन खीरै च खास खास खबरां इक बारी परतियै। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें कश्मीर मामले च त्रीये धड़े दी पैंची गी कीता खारज। विदेश राज्यमंत्री होरें आखेआ जे भारत पाकिस्तान कन्नै सब्भनें बकाया मामले दपक्खी तौर पर हल करने आस्तै वचनबद्ध ऐ। पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान होरें मन्नेआ जे उंदे मुल्ख अंदर अजें बी तकरीबन 40,000 आतंकवादी सरगर्म न। किश्तवाड़ च लश्करे तैयबा दे आतंकवादी नै हथियारें कन्नै आत्मसमर्पण कीता ते आमदनी करें सरबंधी मैह्कमे नै जम्मू कश्मीर बैंक च 274 करोड़ रपे दे घोटाले आले मामले च छापे मारे न। एह्दे कन्नै गै खबरें दा एह् बुलेटिन समाप्त हुआ ते लाओ हुन सुनो इक